में जोधपुर का रुख फिलहाल करेंगे, जहां हमारे सहयोगी सतेंद्र सिंह राजपुरोहित हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। जी सतेंद्र, मैं चाहूंगी कि जोधपुर के हालातों की विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी मनीषा, बिल्कुल। यदि बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में जो आने वाले दिन है वो जोधपुर शहरवासियों के लिए थोड़ी भारी पड़ सकते हैं। उसका कारण स्पष्ट है कि लगातार जोधपुर के अंदर कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। आज की बात करें तो आज सुबह जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 2 कोरोना के मरीज सामने आए, तो और ये जो आंकड़ा है वो 156 पहुंच चुका है। यदि बात करें तो पहले जो जोधपुर के भीतरी शहर के अंदर कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए, चाहे नागौर गेट हो चाहे उदय मंदिर क्षेत्र हो, वहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को आने का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है और लगातार मरीज वहीं से आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक होमगार्ड वहां नौकरी करता था और वो जोधपुर शहर के शूरसागर क्षेत्र का था, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर उस होमगार्ड की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और सबसे बड़ी बात, आज जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर होमगार्ड की पत्नी भी कोरोना की पॉजिटिव हुई है। इस प्रकार जोधपुर के जो आसपास के क्षेत्र है शहर के, उसके अंदर भी कोरोना का जो है दंश जो लगातार फैलता हुआ जा रहा है और कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए खौफ तो लोगों में हो ही गया होगा और लोग बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे, बाहर जाना आवाजाही भी बिल्कुल बंद कर दी गई है, पूरे राजस्थान में लॉकडाउन है। मैं जानना चाहूंगी कि राहत सामग्री किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनका किस प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इसका लेकर तो जो जोधपुर जिले के प्रभारी सचिव है जो नवीन, वो कल जोधपुर के प्रवास पर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर से जहां पर नगर निगम द्वारा भोजन बनाया जाता है वहां जो भोजनशाला है उसका निरीक्षण किया था और उनको स्पष्ट तौर से निर्देशित किया था कि जो लॉकडाउन है जो लंबा चलने वाला है, साथ ही साथ जो सब्जियां दी जा रही है उसके अंदर हरी सब्जी को भी सम्मिलित किया जाए ताकि लोग आराम से चाव से खा सके। वही उन्होंने भीतरी शहर का भी निरीक्षण किया था और जो मुख्य अधिकारियों की बैठक ली थी और उनको निर्देशित किया गया था। वही यदि इंतजाम की अपन बात करें तो जो क्षेत्र का जोधपुर का बोरनाडा क्षेत्र है उनके अंदर अलग से 500 बेडों का कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है और जो जोधपुर शहर का एमजीएस हॉस्पिटल है वहां पर भी 100 बेड लगाए गए हैं और लगातार प्रशासन की बात करें मुस्तैदी से जुटा हुआ है। और जोधपुर शहर की जनता की यदि बात करें तो वो ऐसे क्षेत्र कुछ कुछ नजर आ रहे हैं जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये जोधपुर शहर के लिए एक बड़ी समस्या आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कि जो लोग है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ये कदम लोगों का जनता के लिए खुद के लिए भारी ना पड़ जाए। जी मनीषा। सतेंद्र, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए जिस प्रकार से कोरोना का इलाज जारी है, कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनमें बेहद खौफ होगा, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोस्थिति फिलहाल, उनकी सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो कोरोना से पॉजिटिव मरीज है उनको जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और जब उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वो उनके जो अपने घर के आगे पहुंचने वाले भी आसपास के मोहल्ले वाले उनका स्वागत कर रहे हैं, चाहे ताली बजा करो, इससे उनके अंदर एक हीन भावना प्रकट ना हो। साथ ही जोधपुर के अंदर ऐसे भी मामले, जो सबसे पहला केस आया था उन लोगों ने वीडियो भी जारी किए थे और जो युवा थे वो भी कोरोना के पॉजिटिव आए थे, उन्होंने भी एक पॉजिटिव संदेश लोगों को भी दिया था कि अस्पताल के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है, अस्पताल की टीम बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे से केयर कर रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं जोधपुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग जो चाहे लैब टेक्नीशियन हो चाहे जो एएनएम हो जांच करने जा रही है और उनसे बदसलूकी कर रहे हैं, ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेके भी जो नर्सेज है जो चिकित्सक है उन्होंने भी सुरक्षा की मांग की थी, यदि सुरक्षा रखी जाए और जो लोग है वो सैंपल से घबरा रहे हैं उनको आगे आके सैंपल देना चाहिए ताकि ये जो मामला है इसको ज्यादा से जल्दी रोकने का प्रयास किया जा सके। जी मनीषा बिल्कुल सतेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख फिलहाल करेंगे अजमेर के रेल म्यूजियम में।